वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। प्रतापपुर थाना क्षेत्र की रिठानी चौकी क्षेत्र के ग्राम जैनपुर में बड़ी मात्रा में गौ तस्करों के द्वारा गौहत्या की गई है, जिनके अवशेष ईक के खेत में मिले हैं। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बजरंग दल के महानगर अंकित गोयल को दी तो वह अपने कार्यकर्ताओं को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। गौ माता के अवशेषों को देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। मौके पर थाना प्रशासन CO ब्रजेश कुमार व प्रतापपुर थाना अध्यक्ष रामफल सिंह पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अंकित गोयल ने प्रशासन को सख्त लहजे से कहा कि या तो प्रशासन इन गौ तस्करों को पकड़कर इन पर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो बजरंग दल ऐसे लोगों को सबक सिखाने में सक्षम है। SPCT पीयूष सिंह ने 2 दिन में गौ तस्करों को पकड़कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए और मौके पर पशु चिकित्सक को सैंपल देकर वहां विधि विधान से गौ अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। देखिए आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ता इस दौरान क्या बोले। अध्यक्ष का ट्रांसफर भी हुआ, उसके बावजूद भी गौ कसी रुकने का ड्रामा चल रही है। प्रशासन से जो आए भाई, आ जाओ धर्मेंद्र मीणा जी। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर उतरकर इसका आंदोलन करेगा और एक एक जिहादी दिल्ली रोड जाम करेंगे। ताजी गौ माता की खाल है, गौ माता का सीधे सीधे से अपमान है। ये हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है। हिंदू सहसुण है पर नपुंसक नहीं है, ये प्रशासन को समझ लेना है। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।